आदरणीय बंधुओं ओम नमः शिवाय। पृथ्वी पर भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों के क्रम में आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पावन एवं हृदय को निर्मल कर देने वाली कथा सुनाते हैं। उत्तरांचल प्रदेश में केदार नामक पहाड़ पर मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। यहाँ भगवान शिव भक्तों की पुकार पर त्रेता युग, सतयुग और द्वापर काल में प्रकट हुए थे और वर्तमान कलयुग में हमेशा विराजमान रहते हैं। त्रेता युग में विष्णु जी के अवतार महातपस्वी श्री नर और नारायण की तपस्या और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा वास करने का वर प्रदान किया था। सतयुग में उपमन्यु जी ने यहीं शंकर जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था तथा द्वापर काल में पांडवों ने यहां स्वर्गारोहण के समय तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें महेश रूप में अर्थात भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे। कलयुग में वैदिक मार्ग को नए सिरे से प्रतिष्ठित करने वाले श्री आदि शंकराचार्य जी इसी क्षेत्र से थे। उनकी एक समाधि मंदिर के पीछे बनी है। ऐसा माना जाता है कि वे 32 वर्ष की आयु में केदार आए और सदैव कैलाश जाकर शिवत्व में लीन हो गए। जो भी व्यक्ति भावपूर्वक केदारेश्वर का पूजन करता है उसके लिए स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित कड़ा चढ़ाता है वह वलय युक्त स्वरूप दर्शन कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। केदार तीर्थ में पहुंचकर पूजा कर वहां के जल को पी लेने के बाद मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। यदि यह शिव कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करके आप भी पुण्य कमा सकते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय।